Good morning, children. Children, we have completed our first and second lesson. So, I am going to give you a test on these two lessons. The test is like this it is based on lesson 1 and lesson 2. That means, write meanings in English. You have to write the meanings of these words in English. आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन ईज संस्कृतपरियाय शब्दान लिखत दैट मीन्स यू हैव टू राइट संस्कृतपरियाय शब्द मीन्स संस्कृत वर्ड्स फॉर दीज वर्ड्स देन नेक्स्ट क्वेश्चन ईज लिंगानुसार पदा उचित स्तंभेशु लिखत देट मीन्स यू हैैव टू राइट फॉलोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम ऑफ इट्स जेंडर मीन्स हियर पुलिंगम श्रीलिंगम एंड नपुंसकिंगम कॉलम्स आर गिवन यू हैव टू बायफर्केट दीज वर्ड्स इन दीज कॉलम्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्तंभ मेलनम कर दैट मीन्स मैच द पेयर्स यू हैव टू मैच द नाउन एंड द प्रॉपर वर्ब फॉर इट शुद्ध शब्द चित्वा लिखत दैट मीन्स यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड एंड राइट यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व द वर्ड यू हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दीज टू देन उचिता पर्यायम ची लिखत यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स गिवन हियर देन नेक्स्ट क्वेश्चन ईज मंजुषाद्वयसहाय वाक्या लिखत मीन्स Make sentences with the words given in two boxes. Two bo uh, in these two boxes, words are given and you have to make proper and correct sentence with the help of these words. Then, prashna nirmanam kuruta, means you have to frame the question. We have studied it in lesson number 2. For example, I have given one example there, yatha. ये था मृग धावती कह धावती मृग इज ऑफ जेंडर दैट्स वाय कह विल बी ऑफ मेस्क्युलाइंजेंडर लाइक वाइज यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन फॉर महिला गायती मयूर नृत्य फलम पतति चिल्ड्रेन यू विल राइट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट एंड देन यू विल राइट द आंसर इन योर कॉपी एंड यू विल सॉल्व द टेस्ट थैंक यू